जी का मेन द्वार, यहाँ से एंट्री होगी गाइस। तो ये सोन सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जूते चप्पल, जूते चप्पल जोड़ा कर यहाँ पर हमने जूते चप्पल रखे हैं। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो गाइस अब हम एंट्री करने जाएंगे श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब जी के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो गाइस आज का व्लॉग है हमारा, हमारी पूरी फैमिली, मैं, आरव, शीतल, सबके सब हम जा रहे हैं नंगली देवी जो हमारे महाराज जी हैं, हम सब उनको मानते हैं, तो वहाँ भी जा रहे हैं। मेरे परिवार वाले मानते हैं तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। हाँ सॉरी, सचिदानंद महाराज जी। तो गए सचिदानंद महाराज जी के पास जाना है। उन्हें नंगली भी बोलते हैं ना, वैसे नंगली वाले भी बोलते हैं। तो मैं ठीक था, नंगली वाले गुरु जी बोलते हैं, और वैसे उनका नाम है सचिदानंद महाराज जी। हम उनके द्वार पर जा रहे हैं, उनके उनको उधर टेम्पल में जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। तो हम सब जा रहे हैं पूरी फैमिली। ये तो गाइस सब, तो सब रेडी होगा जल्दी जल्दी। और ना ये हमने बनाए थे वेज बिरयानी, तो आधी हमने पैक कर ली है गाइस, और जो बची थी शीतल के लिए तुम खा लो, तो ये हम खा रहे हैं। ठीक है भाई, जल्दी खा लो, वो भी आने वाले, वो बोलती है मैं तो यूट्यूबर ही मैं हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, यू बोल रही है, गॉड, चल जल्दी खाना पड़ेगा। तो गाइस मैं जल्दी से खाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस घर में सारे जने आ चुके हैं, और अब जल्दी से निकलने की तैयारी करते हैं। तो एक बार जयकारे लगा देंगे सारे निकलते निकलते। बोल सचिदानंद महाराज जी की जय। बोल नगली वाले की जय। तो चलिए गाइस जयकारे भी लग गए हैं, और अब निकलते हैं। तो गाइस जाने की तैयारी है, सब लोग आगे चले गए, मैं भी छोड़ गया। पिताजी अपना अपना फोन, मैं फोन भी करते रहना, आपको फोन करना हो ना बेटा। पैर छुए पिताजी के, ध्यान रखना बच्चों का, मेरी बैंडेज में रखो, घर का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। चलो गाइस अब यात्रा स्टार्ट हो गई। ये रहा हमारा थैला, पकड़ लेने में। तो गाइस हम आ चुके हैं बस स्टैंड वाले के बैठ गए, और मेरी फैमिली 1:30 बजे हाय करो, बड़े भाई गाइस बहुत जोर जोर। तो गाइस हम आ चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में, हमारी एक ट्रेन छूट चुकी है और ये दूसरी ट्रेन है, और हम फाइनली एक अपने सिस्टर का वेट कर रहे थे, और वो आ चुकी है मेरे जीजा जी, और वासु जी आ चुका है, सबके सब आ चुके हैं। वासु हेलो का हाय करो बेटा, ये रहा वासु, हम इसका वेट कर रहे थे गाइस, इससे लड़के आए भी बंदा लगता है ना, हम क्या भी लगता है। तो गाइस हम सब बैठ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 के नीचे, देखो मेरा परिवार, और ये खाना खुल रहा है, मेरी बहन लगी है, और कोई नहीं मेरी बहन सिंपल बन रही है। गाइस फेवरेट ट्रैवल के लिए बढ़िया खाना लाई है, छोले वाह भाई, वो है तो कुलचे के साथ खाने वाले, मजा आ जाएगी। और ये क्या, और ये क्या गाइस, ये आलू मेथी देखो, ये और ये हमारे घर की गरीबों वाली बिरयानी, पहले क्या सोया मेरी सिंपल, लेकिन गाइस एक चीज बोलूँ, ये जो चटनी है ना क्या, उसके साथ खाना मैं बहुत अच्छी लगी, ये लहसुन की चटनी है जी, और बताओ। अच्छा जी अब गाइस भूख लग रही, खाना खा लेते थोड़ा थोड़ा, और ये मेरा बेटा मुंह भी काट रहा, देखो कितना सुंदर, वो मेरे जीजा जी, वो खाना लेके जा रहे हैं, वो मेरे भाई हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर आया था, तो एक भाई पूछ रहा था अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मैंने कहा मैं छोटे मोटे ब्लॉग बना दूँ, अभी भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, भैया का चैनल सब सब्सक्राइब करो, और आगे जाके सब भाई, मैंने सब्सक्राइब, भाई ने प्रॉमिस किया है कि ना भैया मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा, और पूरी वीडियो देखे करूँगा, हम सपोर्ट कर रहे हैं, और भैया को आप लोग सब लोग मिलकर सपोर्ट करो, और फुल वीडियो वॉच करो, और शेयर भी करना भाई, ये भी बोलो, और शेयर भी करो सब लोग, और तब तक कमेंट जाएगा, कमेंट भी करना भैया, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ में, स्टेशन पे आए हुए हैं अभी, मैं मिला मैंने भैया से पूछा, भैया बहुत मेहनत कर रहे थे, अकेले ही शूट कर रहे थे, अकेले एडिट करते हैं, और पोस्ट भी करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है ऐसे लोगों को आगे ले जाना। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस
हमने पहली ट्रेन हमारी छूट गई थी और दूसरी ट्रेन हमें मिली है 4:55 की और हम वेट कर रहे हैं सबके साथ। और ये तो कहीं तंग कर रहा है, रायता फैला रहा है, मेरे को मार रहा है, मारियो मारियो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मार के दिखा। अब अच्छा बच्चा अब तो प्यार करेगा, चमकी करके दिखाएगा, आरू जोड़ी करके दिखाओ। ये हमारी ट्रेन है, ये वाला तो कुछ इस तरह का बुलेट है। जय जी बोलो सचिदानंद महाराज की, सचिदानंद महाराज की जी, हरी सचिदानंद महाराज की। तो गाइस अब हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है दरबार की तरफ। गाइस ये रहा लाल किला, लाल किला, लाल किला के ऊपर देखो ये चार कबूतर बैठे हैं। टाटा बाय बाय, बाय बाय दिल्ली, बाय बाय। तो गाइस ये रही यमुना नदी, तो वाशु और गुल्लू अपने अपनी विंडो वाली सीट पकड़ ली है, ये दोनों अलग ही सेपरेट बैठे हुए हैं। और ये हमारी जो है ट्रेन है, इस तरह से हमारी ट्रेन है। और यहाँ ये रही यमुना नदी, कितनी प्यारी लगी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सकोती टांडा और यहीं से हमारे गुरु महाराज जी का रास्ता स्टार्ट होता है। यहाँ से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर है। ये रहे हम सब, तो दोस्तों मतलब स्टेशन से उतरने के बाद यहाँ से कितने किलोमीटर दूर थे, 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं नंगे धाम के लिए, 84 मोड़ आएंगे। और फाइनली हम लोग जो है मेरी फैमिली, हमारी फैमिली जो है रिक्शे में बैठ चुके हैं हम लोग। तो फालूदा सफर का मजा लेते हुए हम लोग चलते हैं नंगे धाम। 7 किलोमीटर और ये पड़ता है मेरठ के अंदर, तो मेरठ का तो कुछ व्यू मैं आपको दिखा दूँ कि कैसा व्यू है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नगली द्वार पर, 7 किलोमीटर दूरी पर है नगली द्वार। हाँ बोले मेरे महाराज, और यहीं से हम लोग जयकारे लगाएंगे, सचिदानंद महाराज जी की जय। यहाँ हम आ गए हैं आश्रम में, नगली आश्रम में। तो अभी यही रुकेंगे, तो अभी हम लोग जो है यही स्टे करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश होके अच्छे मतलब थोड़ा मुँह हाथ धो के अपना सामान रख के फिर हम लोग निकलेंगे। गाइस हम आ चुके हैं अपने गुरु जी के आश्रम में, हमारे गुरु जी तो गाइज अब मैं और मेरा परिवार जो है हम लोग जो है जा रहे हैं आश्रम से निकल के सीधा मेन धाम पर, नगले धाम पर जो गुरु जी का मेन, हाँ मेन धाम पर हमारी फैमिली जो है आज चल रही है। हाँ तो चलते हैं जल्दी से। सोनू दी मुन्ना दी आगे चले गए, तो हम भी चलते हैं जल्दी से और मिलते हैं आपको धाम पर। तो गाइज ये है हमारे गुरु मंदिर नंगली साहिब जी का मेन द्वार, यहाँ से एंट्री होगी गाइस। तो ये सोन सामने खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे जूते चप्पल, जूते चप्पल जोड़ा कर यहाँ पर हमने जूते चप्पल रखे हैं। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं, तो गाइस अब हम एंट्री करने जाएंगे श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब जी के अंदर।
गाइस ये है नंगलीगढ़, यहाँ गुरु जी का भंडारा चलता है और बहुत बड़ा भंडारा चलता है। ये देखो गाइस, देखो कितना बड़ा लंगर है, अपने आप को मैनेज करना इधर लंगर, इतना बड़ा, इतना भक्त है, इतने श्रद्धालु है यार। ये देखो तो गाइस सारी फैमिली में आ चुके हैं घर पर दर्शन करके और खाना वाना भी खा लिया है। मेरी बहन है सब थक गए, कैमरे को देख के सब दुबक गए हुआ, तो मैं अकेला ही एंड कर रहा हूँ ब्लॉग को। तो गाइस अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और क्या बोलूँ। और जय सत्यनारायण जी महाराज, बाय बाय और खुश रहिए। बाय बाय, खुश रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गाइस हम इधर बैठे थे, चमगादड़ का बच्चा गिर गया, देखो ये लोग चोट लग गई इसको।